भाई ट्रैफिक से तो सख्त नफरत है। और ये ट्रक खराब पड़ा है भाई, ये देख रहे हो नीम के पत्ते लग गए भाई इस पे। इतना बकवास बर्गर था ना, मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा। मैं शायद काला दिख रहा, ये मैं तो पूरा काला हो गया यार, लाइट जला हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर से। तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली हमारी फ्रेंड की थार को छोड़ने के लिए एमएमजी में। एमएमजी का लोग जानते होंगे ज़्यादातर, मूविंग मेटल गैरेजेस, जहाँ से काफ़ी लोगों ने अपनी थार का सस्पेंशन का काम करवाया है। तो हम लोग भी उसी काम के लिए जा रहे हैं। तो मैं कौन बेल्ट लगा लूँ। तो भाई ये अपनी गाड़ी है, मैं अभी अपनी अल्ट्रोज में हूँ। तो अपन एमएमजी जा रहे हैं और उसके बाद ऐसा होगा सीन, हम चार फ्रेंड्स हैं। तो जिस भाई की गाड़ी या थार आपने देखी हुई है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे, तो वही गाड़ी जाएगी थार वहाँ पर। तो वो वहाँ पे छोड़ देंगे हम लोग और दिल्ली में हैं, इसलिए हम ये कार इसलिए लेके जा रहे हैं कि इसके अंदर हम वापस आ जाएंगे नेक्स्ट डे। आज हम अभी टाइम हो रहा है 7:13, तो अभी एक फ्रेंड को पिकअप करना है, फिर निकल जाएंगे। तो रात को वहाँ पे स्टे करेंगे, सुबह गाड़ी देंगे वहाँ पे, अपने एमएमजी वाले पाजी से मिलेंगे और फिर गाड़ी दे दू के फिर निकल जाएंगे वहाँ से। फिर आपको भी वहाँ का दिखाते हैं सीन और रास्ते में जो भी अपना मस्ती तो क्या हो पाएगी भाई। अब ऐसा है ना कि चारों इकट्ठे होते तो बढ़िया रहता है, मज़ा होता है, बट अब दो दो बंदे डिवाइड हो जाएंगे हम लोग। तो चलो देखते हैं, जो जो मस्ती करते हुए जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेटिव होगा वो आपको दिखाते रहेंगे। और बढ़िया अपना कंफर्टेबल होकर चल रहे हैं चड्डे में और टी शर्ट में। तो फिलहाल जाम बहुत तगड़ा है, इसको क्रॉस करते हैं, भाई को चखते हैं अपने एक और निकल जाते हैं फिर दिल्ली के लिए। मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस अभी अपने अपने एक फ्रेंड को चख लिया हमने और आगे, और गाड़ी की टंकी तो अपन ने पहले ही फुल करा ली थी। तो अभी आपको पता लगेगा, ये ढकोली है भाई, आपको नहीं पता होगा क्या है ये। यहाँ पे जाम का पूरा बवंडर रहता है और अभी तो हमें जीरकपुर भी क्रॉस करना है। तो भाई ट्रैफिक से तो सख्त नफरत है। और ये ट्रक ख़राब पड़ा है भाई, ये देख रहे हो नीम के पत्ते लग गए भाई इस पे। तो चलते हैं अब इस जाम को क्रॉस करें भाई। पहले ये हाईवे चढ़ने से पहले का जो ये जाम होता है ना भाई, ये परेशान करता है सबसे ज़्यादा। तो चलो इसको क्रॉस करते हैं, हाईवे पे चढ़ते हैं, फिर निकलते हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ये देखो ये बाइक की आवाज़ में निकाल लेता है मेरा दोस्त। तो गाइस मैं मस्त बैठा हूँ भाई, अभी वॉशरूम गया शायद और अपन पेट्रोल पंप पे थे, पेट्रोल तो हमने डलवा लिया था। तो भाई वो खड़ी भाई की थार, भाई ने अपना फ्यूल टॉप अप कराना था या फुल कराना था। ये तो भाई साहब देखना, इन्होंने पेटीएम पे स्पीकर लगा रखा है भाई, इतना बड़ा सही है। तो यहाँ पे अपा हवा चेक करा लेते हैं अपनी टायर प्रेशर और फिर निकलते हैं आगे। बड़ा रश था यार जीरकपुर क्रॉस करने में, टाइम लग गया अच्छा खासा। तो बस अब बीच में देखते हैं कहीं रुकेंगे कॉफ़ी वूफ़ी पीने के लिए, तो आपको दिखाते हैं सीन। और भाई की वो देखो थार खड़ी जो अपने छोड़ के आनी है, और ये भाई फ्यूल अप करा रहा है और ये हम हवा चेक करा के निकलते हैं फिर आगे को और दिखाते हैं आपको सीन। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं बर्गर किंग। तो सबसे पहले आपको पता है हम कहाँ आए हैं, बहुत इमरजेंसी थी, इमरजेंसी केस हो गया था बिल्कुल ही। तो अभी आए हैं और अब हम चल रहे हैं कुछ खाएंगे और अपनी पार्टी वहाँ बैठी है सारी। तो चलो कुछ खाते हैं बर्गर किंग में और फिर चलते हैं आगे। यहाँ बर्गर किंग से अपना कुछ खा के यहाँ रुके थे हम लोग, तो चलते हैं भाग्य को। भाई पता नहीं कौन सा बर्गर कराया था इन लोगों ने, मिर्च के चक्कर में ऐसी तैसी फिर गई भाई। और ये वही थार है जिसको हम छोड़ने जा रहे हैं और ये गड्डी अपनी गड्डी। चलते हैं भाई आगे, इतना बकवास बर्गर था ना, मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा। अभी तो निकलते हैं, हाय इतनी मिर्च और इतनी रद्दी कोल्ड कॉफ़ी है ना भाई बर्गर किंग वालों की। कौन सी कोल्ड कॉफ़ी थी, नाम क्या था इसका, कैपुचिनो मोका भाई, बिल्कुल मोका नहीं दिया भाई पीने का, उसमें कॉफ़ी थी नहीं, सिर्फ झाग ही झाग थी यार। चलो क्या ही कर सकते हैं, चलते हैं मैं रुक जा। तो भाई लोग अब टाइम हो गया 10:25 का और हम घरौंडा टॉल पे हैं, है ना। तो भाई घरौंडा टॉल पहुंच चुके हैं और अपनी थार भी साइड वाली लेन में है,
तो टोल कटवाते हैं, चलते हैं आगे को। मस्त मज़ा आ रहा ड्राइव करने का। बस बीच बीच में अगर ये ट्रक वाले अपनी ना कराएं ना तो बढ़िया एकदम सही से निकल सकता है बंदा। ये बीच बीच में ना राइट साइड वाली लेन में आ जाते हैं, बताओ, एकदम से कट मारते हैं। और ये देखो, एक तो हम जिस लाइन में लग जाएं और वो लाइन बंद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो साइड वाली जा रही है, हमारी खड़ी हुई है। पता नहीं साला क्या चक्कर है, कराना पड़ेगा चेक। गाइस वी हैव टू चेक। भाई अभी रुके थे ऐसी सम फ्रेश नेस के लिए, तो ये खड़ी अपनी दोनों गाड़ियाँ। तो ये भाई लोग यहाँ धर्म ढाबा पे रुक गए थे, हम लोग लेट हो गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोल, और उस टोल पे हमें 10 मिनट खड़ा के रखा गया। तो 10 मिनट ऑलमोस्ट खड़े होने के बाद अब हम निकले हैं और ऐसे ही थोड़ी फ़ोटो फोटो से खींच रहे हैं, थोड़ा फ्रेश है, यू नो, ब्रेक हुआ है हमारा एक, तो बस अब निकलेंगे आगे। तो गाइज अब हो गया है 11:30, ऑलमोस्ट दिल्ली पहुंचने में अभी 45 to 47 किलोमीटर्स रह रहे हैं। तो भाई इस हाईवे की बात करने लगा था मैं, भाई हाईवे बहुत बढ़िया बना दिया है। पहले यहाँ सड़क हो रही थी इतनी गंदी, इतनी पतली, हमें स्लिप रोड से जाना पड़ा था काफ़ी सालों तक, और अब फिलहाल कह सकते हैं भाई बहुत बढ़िया सड़क बन गई है। एंड फोर लेन वन साइड, फोर लेन वन साइड, 8 लेन हो गया, क्या मस्त हाईवे है। और बढ़िया स्पीड लिमिट लेकिन 80-90 की है, हम भी लिमिट में चल रहे हैं देखो। तो रात को यार वैसे कुछ खास दिखाने को था नहीं, जहाँ जहाँ मैं रुक रहा हूँ बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत बताता जा रहा हूँ, क्योंकि अंधेरा दिखाने से बेटर है कि जो मेन चीज़ है वही मैं आपको दिखाऊँ। तो दिल्ली 27 दिखा रहा है भाई इस बोर्ड पे, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा हाईवे में जस्ट बिकॉज। तो चलो दिल्ली के अंदर से फिर हमें जाना है नोएडा, वहाँ पर हमने होटल बुक कर लिया है, तो पहुँचते हैं होटल। बीच में अगर कुछ होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया सा, वरना होटल पहुँच के आपको होटल दिखाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर सुबह जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जिसके लिए हम दिल्ली आए हैं। तो चलो मिलते हैं फिर आगे। तो भाई जहाँ होटल बुक करा था वो होटल पसंद नहीं आया, तो उन्हीं का एक और यहाँ पे खुला हुआ होटल, तो वहाँ पर आए हैं अभी। ये हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करी है, रूम देख आए हैं, ओके है, जहाँ पहले वाले से बहुत बेटर है। तो अभी देखते हैं, ट्राई करेंगे गाड़ी अपनी अंदर पार्क हो जाए तो बेटर है, तो अंदर पार्क हो जाएगी तो मस्त। अभी अपर रूम में चलते हैं, आपको दिखाते हैं रूम। रूम वैसे क्या ही दिखाना है, पर चलो दिखा देंगे कैसा है। और थोड़ा थक गया गाइस, अब लग रहा है कि हाँ थकावट हो गई है। शक्ल आप देख सकते हो, आँखें शायद लाल भी हो गई होंगी नींद के चक्कर में। तो ये कुछ एरिया यहाँ का, ये खड़ी अपनी धन्नो, ये खड़ी थार, ये रहा मैं। तो चलो चलते हैं रूम में, ये है कुछ होटल, सेकंड फ्लोर अपना रूम है, और दिखाते हैं फिर आगे का सीन, या देखते हैं खाएंगे या सो जाएंगे, सुबह करेंगे व्लॉग कंटिन्यू। चलो देखते हैं, जो भी होता है वो आपको पता लग जाएगा आगे। गाड़ी अपनी पार्क हो चुकी है अंदर, ये एक किसी की फॉर्च्यूनर खड़ी है, ये अपनी खड़ी अल्ट्रोज, और ये खड़ी अपनी थार जिसको हमने कल लेकर जाना है MMG में, सही है। तो चलते हैं भाई रूम की तरफ, पानी हमने लिया हुआ था वही हम ले चल रहे हैं, छोटा सा एक बैग था, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो छोटा बैग टांगा है भाई मैंने, तो भाई चक्कर ये यहाँ पे लिफ्ट नहीं है पिछले वाले में, तो ये हमारे रूम सर्विस वाले हैं जो आगे चल रहे हैं बैग लेके। तो ये आ गया हमारा नैपकिन, यही है ना, एक और फ्लोर चढ़ना है भाई। चलो यार रूम में जा के रहते हैं बात, आइस लेट्स गो टू द रूम फर्स्ट। तो भाई ये हमारा कुछ रूम, वो सामने रहा शीशा, ये रहा अपना बेड, दो रूम लिए भाई क्योंकि आप 4 बंदे हैं, सामने वाला
और एक ये सामने बालकनी है जिसका दरवाज़ा हमें पता नहीं कैसे खुलेगा, बट एक यहाँ से भी है, हमें उसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मस्त बालकनी, वो खड़ी अपने नीचे दोनों गाड़ियाँ। अब कुछ खाएंगे और सो जाएंगे, मिलते हैं आपसे सुबह। क्या तो गाइस, मैं नहा धो के तैयार हूँ और ये देखो इस बंदे को, ये सो रहा है इससे उठाए जा रहा है हरामी से। और ये देखो मैं शायद काला दिख रहा, ये मैं तो पूरा काला हो गया यार, लाइट जला हो तो भाई देख सकते हो अपने भाई को। भाई मैं नहा धो के रेडी, अपना ड्रायर वगैरह यूज़ करके, और ये दूसरा वाला भाई नहा धो के लेट गया है और वो वाला उठ ही नहीं रहा है, और वैसा देखो ऐसे आंखें बंद कर रही है जैसे कि मूड नहीं है। अभी फिलहाल वाइस टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 12:23, तो अब हम चौक कह रहा हूँ चेकआउट करने लगे हैं। ये अपन ने पानी जो लिया था वो चख लिया, पूरी बॉटल थी, काम आ जाएगी। अपने बैग अपना पीछे टंगा हुआ है और अब चेकआउट करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और निकल जाएंगे MMG की तरफ। उससे पहले हमें एक काम करना है, हमें अपनी ऑटोस का पोल्यूशन भी कराना है। तो पोल्यूशन करा के फिर आप निकलेंगे आगे MMG, क्योंकि रास्ते में दिक्कत ना हो किसी चीज़ की। तो चलो चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में। सुबह गाड़ियां बाहर कर दी थी यार। ये खड़ी गाड़ी, ये खड़ा चमन। चलो बैठते हैं गाड़ी में, फिर दिखाते हैं आगे का प्रोग्राम। गाइस हेलो, बोलो, व्लॉग चल रहा है। तो भाई सुबह ना गाड़ी किसी को दी थी पार्क करने को, ये देखना इसने गाड़ी कैसे खड़ी करी है। भाई सुबह ना एकदम जब मैं आया हूँ थार खड़ी करने, मेरी सांस रुक गई थी। हाँ, और ये है वो ड्राइवर, पागल। तो भाई जो अभी तक हमने सिर्फ YouTube पर देखा था, तो भाई वो हमें गाड़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है जो अभी तक नहीं देखी थी। पहुँच गए सीखे, और भाई बहुत बढ़िया बढ़िया इंजीनियरिंग चल रही है यहाँ पे। तो चलो पाजी से बात करते हैं और देखते हैं फिर अपनी गाड़ी में क्या क्या हो सकता है।